हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हुद माता यात्रा 26 जून को शुरू होने जा रही है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ये किश्तवाड़ का, जो किश्तवाड़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक पर्वत, एक पहाड़ पे एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो बिल्कुल पूरे संसार में, पूरे विश्व में अनोखा है। हुद माता नाम से ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, यहाँ पे त्रिसंध्या बहती है, दिन में 3 बार माता अपना दर्शन देती है, एक झरना बहता है, दिन में 3 बार बहता है जिसमें लोग स्नान करके पुण्य कमाते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि जो पानी सुबह आए वो लगभग 1 घंटे के अंदर सूख जाता है और वहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि पानी आया हो। इसी प्रकार से दिन में भी आता है और शाम को भी आता है। मैंने कहा कि ये पूरे विश्व में एक अनोखा स्थान है, तीर्थ स्थान है। यहाँ पे दूर दराज हर क्षेत्र से लोग इस तीर्थ यात्रा में आते हैं। जिस तीर्थ यात्रा की शुरुआत इस साल 26 जून को होने जा रही है, मैं तमाम जम्मू कश्मीर प्रदेश के उन भक्तजनों को आह्वान करता हूँ कि इस तीर्थ स्थान पे आने का वो कष्ट करें। बहुत ही उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी आशाएं वहाँ पे पूरी होंगी और विश्व कल्याण के लिए भी ये तीर्थ स्थान बहुत प्रसिद्ध है। पिछले साल मुझे लगता है कि हमारे बाहर के प्रदेशों से भी कुछ यात्रीगण आए थे। मैं दोबारा से वहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते सबको ये आह्वान करता हूँ कि उनकी सुरक्षा, उनकी सहायता सब हम अपनी तरफ से वहाँ पे करें। लिहाजा एक बार वहाँ पे आके, मुझे लगता है कि जो एक बार आए वो बार बार वहाँ पे आता है, मैं दोबारा से आह्वान करता हूँ कि 26 जून जो ये यात्रा शुरू होने जा रही है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। 26 जनवरी ये कठुआ से गीता भवन जम्मू में आएगी और 27 जून को एक शोभा यात्रा जम्मू शहर में निकलेगी, उसमें भी 26 को एक शोभा यात्रा, शाम को ही 26 को शोभा यात्रा जम्मू में निकलेगी, उसमें भी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और 27 की सुबह को ये किश्तवाड़ के लिए प्रस्थान करेंगे, उसके आगे ही आगे चलती जाएगी। मैं दोबारा से सबको निवेदन करूंगा कि इस यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।